Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone and Deep Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to appear for my CAT 2024 exam. Because in this video, I'm going to discuss about the complete details of MICA programs. Apart from that, MICA के application forms भी out हो गए हैं, तो उनके important dates हम discuss करने वाले हैं. So guys, काफी लोगों को confusion होता है MICA को लेके कि कैसा college है, ये actually कहाँ focus करता है, सब कुछ बात करने वाले हम लोग. तो यार वीडियो के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे. बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है. 20 लाख का एवरेज पैकेज है, ठीक है. इंपॉर्टेंट डेट्स एंड क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर करता है, इनके एफएक्यूज क्या क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे विद प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग. चलो गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियोज आते रहते हैं. गाइस, ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स कमेंट सेक्शन में दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो. प्लस हम लोग का व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे. सो गाइस, देखो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि माइकाट का मैं ओवरव्यू देता हूँ. माइका जो कॉलेज है, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन अहमदाबाद में, ठीक है. इस कॉलेज में मेनली फोकस करता है ये मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन का कॉलेज है, ठीक है. तो गैस ये जो कॉलेज है, ये पूरा पूरा फोकस मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में करता है, ठीक है. आप बोल रहे हो, आप सोच रहे हो कि बाकी कॉलेजेस से मार्केटिंग होती है. यस, डेफिनेटली बाकी 20 स्कूल से मार्केटिंग होती है, बट उनमें बाकी ब्रांचेस भी होती है. बट इसका काम क्या है, ये पूरा फोकस इसी में ही करता है, ठीक है. इसी वजह से ये काफी एक्सपर्टीज देता है एंड काफी अच्छे प्लेसमेंट्स है, काफी अच्छा एक्सपोजर देता है, ठीक है. तो बाकी बातें इस बारे में आगे करेंगे, अभी एक बार देखते हैं इनके पेपर पैटर्न एंड एग्जाम कब होता है इसका, ठीक है. तो इन शॉर्ट समरी ये है कि जिनको मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, किसी तरह की मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, ब्रांड मैनेजमेंट जो भी हो, वो उनके लिए बेस्ट कॉलेज है, ठीक है. अब गाइस बात करते हैं बाकी चीजों पर. जैसे आपका एग्जाम की डेट्स की बात करूँ, तो माइकैट के बेसिकली दो एग्जाम्स होते हैं. माइकैट एक्चुअली दो बार कंडक्ट होता है. तो माइकैट वन का जो एग्जाम होगा आपका, वो आपका एग्जाम होगा December 2, ठीक है. 2 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा एंड आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, ठीक है. एंड रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 20 सितंबर, 20 नवंबर. तो गैस ये आपका माइकैट का बेसिकली रजिस्ट्रेशन ओपन एंड क्लोज की डेट है. माइकैट टू का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 23 नवंबर से स्टार्ट होगा, January 16 तक. तो गैस आप दोनों में से दोनों बार एग्जाम दे सकते हो या कोई एक बार एग्जाम दो, आपके ऊपर है. अगर आप दोनों बार माइकैट दोगे तो आपको दोनों बार फीस देनी पड़ेगी और जो बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा. तो फर्स्ट माइकैट आपका 2 दिसंबर का है एंड सेकंड वाला आपका 27 जनवरी का है. तो गैस जनरली मैं बोलूंगा जिसको एक बार देना है वो 2 दिसंबर को ना दे, क्योंकि स्नैप वगैरह फंसेगा एंड जनवरी में तो ज्यादा अच्छा है उसके लिए, ठीक है. तो गैस ये चीज मेन है. अब गैस बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि सिर्फ माइकैट एग्जाम देने से नहीं होगा. तो गैस अपार्ट फ्रॉम माइकैट एग्जाम, आपको कैट, जेड एंड जीमैट को एक एग्जाम देना पड़ेगा. उनका मिनिमम क्राइटेरिया भी आपको क्लियर करना पड़ेगा. लाइक माइकैट आपने दे दिया, बट आपने कैट में आपका मिनिमम 85% के अराउंड होना चाहिए. ये आगे पीछे होता है, डिपेंड करता है प्रोफाइल के ऊपर भी, बट एक सेफ स्कोर 85 के अराउंड मान के चलो कैट जेड वगैरह में, ठीक है. तो बाकी जीमैट का स्कोर देखना पड़ेगा वेबसाइट में एक बार, ठीक है. बट जनरली लोग कैट जेड देते हैं. तो कैट और जेड का कोई भी एग्जाम देते हो आप, ठीक है, तो आपका 85% अगर ला के रखो तो आपके लिए डिसेंट रहेगा, और ज्यादा आ जाए तो और अच्छी बात, ठीक है. अब कैसे देखो, माइकैट जो एग्जाम होता है ये तो आपको देना ही है हर हाल में. इसका पैटर्न कैसा होता है, इसका पैटर्न बाकी एग्जाम थोड़ा सा अलग होता है. यहाँ पे कहते हो क्या होता है कि तीन सेक्शंस होते हैं मेनली. सेक्शन है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है. साइकोमेट्रिक मतलब आपका बिहेवियर चेक करता है. सेक्शन भी आपका डिस्क्रिप्टिव होता है. डिस्क्रिप्टिव मतलब स्टोरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ऐसा उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एंड सेक्शन सी जो होता है वो 4 सेक्शन होते हैं, सब सेक्शन मान लो आप. इसमें आपका डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है. वर्बल एबिलिटी सेम है जैसा होता है. क्वांट्स भी सेम होता है. DI होता है एंड आपका GK भी होता है. तो गैस मेनली आपको इसके लिए प्रिपेयर ज्यादा करना होता है, ठीक है. बाकी गाइस डिस्क्रिप्टिव थोड़ा अलग चीज है, बाकी एग्जाम में नहीं आता है, इसको भी करना पड़ेगा. एंड साइकोमेट्रिक इज ऑल अबाउट योर बिहेवियर, आपको सही सही आंसर देने होते हैं. तो गाइस माइकैट टेस्ट में ये 3 सेक्शन होते हैं जिनको आपको अच्छे से परफॉर्म करना होता है. तो माइकैट स्कोर अच्छा लाओगे तो चांस बढ़ जाएगा बाकी कैट एंड जैट के मिनिमम क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने में. तो ये चीज होती है. तो जनरली मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों बार भी एग्जाम दे सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि सेकंड अटेम्प्ट दो आप 27 जनवरी को. और जो लोग वाकई बहुत इंटरेस्टेड है मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में, मेनली मार्केटिंग में, उनको तो जरूर देना चाहिए एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है. बट ये मेक श्योर करो कि आप ये एग्जाम दे रहे हो तीन में से कोई एक, वरना फायदा नहीं है. अब गाइस और बातें करते हैं. सो गाइस बेसिकली यहाँ पे कुछ स्टेप्स देखे हैं मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन के, अभी इतने काम के नहीं. तो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट पहले चेक होता है, ठीक है. फिर आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस कैट साइड का होता है, ठीक है. आपका मिनिमम कट ऑफ एक होता है उनका, वो हर साल बदलता है. हमने बोल दिया 85, हो सकता है ज्यादा भी हो, सकता है कम भी हो जाए, ठीक है. बिकॉज लास्ट ईयर मुझे याद है किसी का 782 में भी आ गया था, मतलब 82 में भी एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है. एंड जो आपका सेक्शन सी होता है वो नॉर्मलाइज होता है, ठीक है. तो ये चीजें होती हैं.
बाकी गैस बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, ठीक है, आप ये पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। और जिसका जीडीपीआई होता है, जीपीआई, वो मार्च में कंडक्ट होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट इसकी अप्रैल में आएगी, ठीक है। तो ये चीज है। अब गैस देखो फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या क्या वेटेज है। कैट जेड एंड जीमैट का स्कोर का 20% वेटेज है, तो गैस डेफिनेटली अगर आपका कैट में 95% आया है और किसी का 85% आया है, तो डेफिनेटली आपको वेटेज मिल जाएगा। तो उन्होंने कैट जेड जीमैट का भी अच्छा खासा वेटेज रखा है, अराउंड 1/5। माई कैट स्कोर का भी अच्छा खासा वेटेज है, तो सिर्फ स्कोर का ही 50% वेटेज हो गया। फिर आपका ग्रुप एक्टिविटी का 20% वेटेज है, एंड बाकी आपका पीआई का, पीआई प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, 30% वेटेज। तो गैस आपको कैट जेड में भी अच्छा ग्रोथ अच्छा है, बाकी माई कैट में अच्छा करना, बाकी ग्रुप एक्टिविटी एंड पीआई ये मिला के आपका 100% होगा। तो ये चीज आपकी है। अब गैस देखो कुछ आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहे होंगे माइंड में, वो हाउ विल, यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो माई कैट, जो माई कैट कॉलेज है, ये बेसिकली दो प्रोग्राम्स देता है, एक देता है पीजीडीएम और एक दूसरा देता है पीजीडीएमसी। पीजीडीएमसी इनका मेनली फ्लैगशिप प्रोग्राम है, पीजीडीएम कम्युनिकेशंस करके है वो, ठीक है। इनका ये है, इसमें सीट ज्यादा है, इसमें 36 के अराउंड सीट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गैस पीजीडीएम एंड पीजीडीएमसी में डिफरेंस क्या है। पीजीडीएम में बस एक इलेक्टिव आपका रहेगा 6 क्रेडिट्स का, अर्बन इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये ऑप्शनल रहेगा पीजीडीएमसी के लिए। तो जनरली पीजीडीएमसी लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को, क्योंकि मेन मोटिव उसका ये है। इन लोगों ने रीजन दिया है, इनके एफएक्यूज में लिखा हुआ है कि आपने पीजीडीएमसी कंटिन्यू क्यों नहीं किया, पीजीडीएम क्यों खोला है? तो उसका रीजन क्या था कि एआईसीटीई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम में 180 ज्यादा सीटें नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए उन्होंने पीजीडीएम में 36 सीटें दे दी। तो बेसिकली मेन डिफरेंस जो पीजीडीएम एंड पीजीडीएमसी में है, यहाँ पे आपको पीजीडीएम में थोड़ा सा आपको बिजनेस एनालिटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स टाइप की चीजें भी थोड़ा सिखाई जाएंगी मेनली, तो इस वजह से ये थोड़ा अलग है इससे। बाकी देखो प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ साथ में होता है और बाकी मैक्सिमम चीजें इक्वल है, ठीक है। तो आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, तो जनरली ये मेन मोटिव है इनका, पीजीडीएमसी, ठीक है। बोथ पीजीडीएम एंड पीजीडीएमसी विल कंटिन्यू एज टू सेपरेट कोर्सेस विद द गिवन नॉमेनक्लेचर्स एज पर एसीटी गाइडलाइंस, ठीक है। हाउ आर पीजीबी प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय मेका डिफरेंट फ्रॉम माइका डिफरेंट फ्रॉम अदर बी स्कूल्स। इनका जो होता है, ये लोग मेनली फोकस कहाँ करते हैं, प्रीडोमिनेंटली फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, वही चीज है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे जेबीआईएमएस, एमएचआरडी या टिस। टिस मेनली एचआर के लिए होता है, ठीक है, तो बाकी कॉलेज के एचआर देते हैं, बट टिस एचआर का है। इसी तरह वैसे मान सकते हो कि अगर आपको मार्केटिंग ये बहुत अच्छे से करना है, सीखना है, तो यहाँ पे आ सकते हैं। और इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी कॉलेजेस से मार्केटिंग नहीं सिखाया जाता, बट इनका मोटिव ये है, तो वो चीज़ है, इन्होंने एक्सपर्टीज इसमें रखी हुई है। तो डेफिनेटली फाइनेंस ऑपरेशन के लिए कॉलेज नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। अब गैस देखो प्लेसमेंट्स की बात करें, प्लेसमेंट्स काफी तेजी से बढ़ रहा है इनका। हाईएस्ट पैकेज तो खैर 36 लाख है, वो तो एक लोग को मिलता है। एवरेज पैकेज इज 20 लाख, मीडियम पैकेज इज 19 लाख, ठीक है, वो चीज़ है। ये इंक्रीज हुआ 11.11% से, ठीक है, मीडियम एवरेज। टॉप 25 का 31 लाख, ठीक है। बाकी गैस कम देखें सेक्टर ओवरव्यू, तो एफएमसीजी में 30 ऑफर्स मिले एफएमसीजी में, ठीक है। आईटी आईटीईएस में 31 ऑफर्स, या एफएमसीडी में 17 ऑफर्स। तो यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज सबके लिखे हुए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इससे एक आइडिया लग जाएगा। अब गैस रोल्स क्या आते हैं, सबसे ज्यादा डाउट आता है कि यहाँ पे अगर हम करेंगे तो मुझे कैसे रोल मिलेंगे, तो उसकी बात करते हैं। अकाउंट मैनेजर, एसोसिएट मार्केटिंग मैनेजर, बहुत बढ़िया, ब्रांड ब्रांड मैनेजर काफी सही है, कैंपेन मैनेजमेंट। गैस ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री मार्केटिंग, आपको खुद पता है कि कोई अगर प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट कैसे चलेगा, मार्केटिंग से ही चलेगा, तभी इतने मार्केटिंग का इतने बड़ा इंडस्ट्री मानी गई है डेफिनेटली। क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अगर लोगों को पता ही नहीं है तो क्या मतलब है। तो कैंपेन्स वगैरह रन होते हैं, तो वो सब के आपको रोल्स मिलते हैं। कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रोथ मार्केटिंग, लॉयल्टी मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें, ठीक है। बाकी आपका सेल्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया मैनेजर, ये सब है। तो इस तरह के आपको रोल्स मिलेंगे अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो। तो बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग में, मार्केटिंग में ज्यादा इसका वो, सेल्स होता है कि आपको सेल को पुश करना, आपको भागना है, तो वो चीज यहाँ पे कम है, मार्केटिंग का पार्ट ज्यादा है, जब आप कैसे वो सब करना है, मैनेजमेंट करना है, ठीक है, दो चीज थोड़ा अलग होती है। तो गैस ये आपका पूरे रोल्स हो गए, आई गेस सब कुछ कवर हो गया यहाँ पे गैस। तो आप लोग डिसाइड कर लो कि जिन लोग को इंटरेस्ट है, मैं रिकमेंड करूंगा अभी जल्दीबाजी में फॉर्म मत भरो, आराम से जनवरी एंड में देना, इससे फायदा क्या है, तब तक आपका एनमैट स्नैप भी हो जाएगा, आप पूरी प्रिपरेशन कर चुके होंगे और आपका फिर एग्जाम भी निकलने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। बस आपको स्टोरी राइटिंग वगैरह में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा अच्छे से, उसकी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा देखोगे पीवाईक्यूज वगैरह। कुछ स्टूडेंट्स को मैसेज करो जो माइका में है, उनसे बात करो कैसे प्रिपेयर किया था, ठीक है। बिकॉज आई डोंट थिंक ये बहुत सारी कोचिंग्स, कोई कोचिंग्स है जो अलग से इसका वो देती है कोई कोर्स, ठीक है।
बाकी सेक्शन तो ठीक है बट राइटिंग वगैरह अलग चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अगर एनमैट स्नैप के कोर्स की प्रिपरेशन कर रहा है एनमैट स्नैप के तो चेक कर सकता है। वैसे हम लोग का कोर्स एनरोलमेंट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, 5000 प्राइस है इंक्लूडिंग मॉक्स एंड जीडीपीआई। अगर आपको जीडीपीआई नहीं चाहिए तो प्राइसिंग इज 3999, सब कुछ कवर्ड है। बस डिफरेंस क्या है कि लाइव क्लासेस काफी हो चुकी है तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी फिर शेड्यूल मिलेगा। और गाइस हम लोग 7th 8 अक्टूबर से पूरा डिटेल शेड्यूल बनाने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग स्नैप का अलग से भी एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं 7th 8 अक्टूबर, उसमें आपका एनमैट भी निकल जाएगा बट एनमैट के मॉक्स नहीं, क्योंकि तो स्नैप है 10 दिसंबर को स्नैप है। बाकी गाइस अभी रिसेंटली बैच स्टार्ट हुआ है SRCC CMAT एंट्रेंस का, ये आप देख सकते हो 3 या 4 क्लासेस होंगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइस चैनल को फॉलो जरूर करना, मेरा कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए बिकॉज काफी सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स आएंगे अभी, ठीक है। एंड प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है हर एक प्रोग्राम। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है यहाँ पे, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो कोई डाउट आता है तो, ठीक है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय।